हो जाए जल्द से जल्द, सिक्स से रिंग हो जाए, अभी तक हो नहीं पाया। हो जाएगा, हो जाएगा। तो सब तीर कमान आप लोग हम ही लोग पर चलाते हैं, कुछ उधरों तो चलाइए। उधर भी ढेर लोग हैं अलायंस में, उधर भी पूछपाछ कीजिए। एक तरफा चलाइएगा तो वो तो लगता है कि फिर एजेंडे पर आप लोग हैं। अगर उधर से भी ये सब प्रश्न करिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से भी जाके कि भाई आप लोगों का कब हो रहा है, देर नहीं हो रहा है, तो लोग कुछ बोलेगा। हम ही लोग से पूछते हैं, लेकिन देरी की बात तो जेडीयू की तरफ से की जा रही थी। हाँ हाँ, हम लोग अभी भी मानते हैं देरी हो गई है, लेकिन काम खराब नहीं हुआ है। काम खराब होगा तब ना नुकसान होगा, हो जाएगा। नहीं, आप लोग कहते हैं कि जल्दी हो जाना चाहिए, लालू जी का माननीय नेता हमें हमेशा कहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, जिससे कि हम फील्ड में जल्द से जल्द उतरें, हम लोगों के जो सीटें हैं वो आइडेंटिफाइड हो जाए, हमारे जो वर्कर हैं उस फील्ड में उतर जाएं। क्योंकि लड़ाई जो है कमज़ोर लड़ाई नहीं है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मंदिर और राम मंदिर को लेकर के, जिस तरह से भगवान राम को भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तो उसकी ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को भी अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। और चुनाव में तो आप जितने सजग और सतर्क रहते हैं और जितना आपका चुनाव लड़ने का जो धारदार पैमाना होता है उतना अच्छा होता है, इसीलिए नेता का आग्रह है कि भाई जल्द से जल्द हो जाए। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नीतीश को लेकर जो है एनडीए वापसी में खुलकर बयान, उस पर चर्चा हो रही है एनडीए में जाएंगे, हमको नहीं जानकारी अमित शाह जी ने क्या कहा। अमित शाह जी ने कहा है कि पुराने सहयोगियों को लेकर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम लोग विचार करेंगे। हमसे आप पूछिए तो क्या कहेंगे, हम भी यही कहेंगे। ये तो बहुत स्क्रिप्टेड बयान है, इसमें नया क्या है? पॉलिटिक्स में इसमें नया क्या है? नहीं, पहले बोलते रहे हैं कि दरवाजा बंद है, इसीलिए आपने कभी नहीं बोले हैं दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा, तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना, हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। हम लोगों का कहाँ कोई प्रस्ताव गया है। इंडिया जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं उन्होंने दिल्ली में मिलते हैं, क्या लग रहा है उन लोगों का सब कुछ चल रहा है? अभी तो ये हमको क्या मतलब है उस घर से, हमारे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है हम उसमें क्या ताक झांक करें? आप जाते हैं अपने पड़ोसी के घर में ताक झांक करने, तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं हम ताक झांक करने जाएं? हम अपना घर में बैठे हैं, हम अपने घर को सुदृढ़ करेंगे, हम दूसरे घर में क्या तरकारी बन रहा है, सब्जी बन रहा है, हमको उससे क्या मतलब है? अभी ना हम लोग को, हम अपनी पूंजी पर हम लोग खड़े हैं, दूसरा का क्या हो रहा नहीं हो रहा उस पर नहीं। हम नीतीश कुमार के कार है, जो 18 वर्ष में नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है उसको लेके जाएंगे। जिस तरह से इन 18 वर्षों में जातीय अनुमात कम किया, जिन 18 वर्षों में धार्मिक अनुमात कम किया, जिस 18 वर्षों में 24,000 करोड़ के बिहार को 2,66,000 करोड़ किया, जो कमिटमेंट उन्होंने 7 निश्चय 2 में किया कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उस पर काम हमारा हो रहा, हम उसको लेके जनता के बीच जाएंगे। हमारा क्या, हमारी अपनी पूंजी है, मेरा पूंजी नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे, हमारे ब्रांड नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे, दूसरा क्या कर रहा है उसे क्या मतलब हमको है? भाई वीरन बोलते हैं कि लालू जी के कृपा से ही मुख्यमंत्री बने। भाई वीरन जो है उन्होंने कहा कि लालू जी के कृपा से सीएम बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस प्रदेश में पथ प्रदर्शक है, जो हमारे साथ अलायंस में आता है। भारतीय जनता पार्टी भी आई तो उस समय हमारा 7 निश्चय 1 था और उसी को भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया। 2020 में हम 7 निश्चय 2 लेकर के आए और आरजेडी भी 7 निश्चय 2 पर काम कर रही है। हमारा एजेंडा जनता के बीच जो मेरा कमिटमेंट और मेरे नेता का कमिटमेंट है वो नहीं बदलता है। अलायंस पार्टनर आते हैं और हमारे नेता के कमिटमेंट पर काम करते हैं, क्योंकि मेरे नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं को और इस प्रदेश को बदलने का काम किया है। ये कड़वा सच है, घोर से घोर विरोधी नीतीश जी का भी ये मानता है कि नीतीश जी ने बिहार में काम किया है।